पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम के साथ अभद्रता और गुंडागर्दी करते हुए उनके चेहरे पर कालिक पोत दी। किसान मजदूर संघर्ष जन आंदोलन के बहाने कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और प्रशासनिक अधिकारियों पर पत्थरबाजी करते हुए चूड़ियां फेंकी। अब प्रदेश की जनता कमलनाथ से पूछ रही है कि क्या यही है छिंदवाड़ा मॉडल जिसको पूरे प्रदेश में कमलनाथ लागू करना चाहते थे। बहरहाल पुलिस ने बंटी पटेल समेत 22 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। उधर प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल गजब का है। यहां सरेआम कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने किसान आंदोलन के बहाने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। दरअसल पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह और कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में चौराई में एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन हुआ और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बंटी पटेल ने एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोतकर अपने इरादे और नियत दोनों बता दिए। जवाबी कार्रवाई में प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी सही तरीके से नहीं हो पाया। इसके बाद कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और उन्होंने पथराव किया। यही नहीं, कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर चूड़ियां भी फेंकी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और सरकार पर छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनकी घोषणा आप एक गाइडलाइन के हिसाब से बताइए। वहाँ पर आए वो लोग और खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस बल भी हमारा लगा हुआ था, मुझे बुलाया गया, मैं पहुँच गया वहाँ पर। आपस में बातचीत वो लोग करते रहे, नारेबाजी करते रहे, मैं चुपचाप खड़े होकर के सुनते रहा। इसके बाद अचानक कोई उठा वहाँ पर से और आकर के सीधे गला दबाने का और प्राणघातक हमला किया है मेरे ऊपर, और फिर उसमें मेरे उस पर कालिख पोती गई है। और इसके बाद फिर मैं तुरंत पीछे आ गया और फिर मैं जब अंदर चला गया तो फिर पत्थरबाजी भी की है उन लोगों ने मेरे कर्मचारियों को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को भी हल्की चोट आई है। इस तरह का दुर्व्यवहार उनके द्वारा किया गया। कल चौरई की जो घटना हुई थी, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से आंदोलन और ज्ञापन देने के प्रक्रम में हमारे साथी सम्माननीय श्री सी पी पटेल जी के साथ जो दुर्घटना और हाथापाई की स्थिति बनी, उसके विरोध में आज का हमारा ज्ञापन था। और ज्ञापन के माध्यम से हमने जिलाध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है और अपेक्षा किया है कि जिन परिस्थितियों में शासकीय सेवक घर से निकलकर और तमाम चुनौतियों और विपरीत स्थितियों के बीच में काम करता है और जनता के बीच में जाके सेवा देने का काम करता है, तो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।